गाइस व्हाट इज अप, तो स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो लास्ट ब्लॉग में आप लोग देखा कि हम लोग दिल्ली आ गए थे, और दिल्ली आने के बाद एक दो दिन आराम किए, उसके बाद ही ब्लॉग बना रहे, क्योंकि बीच में कहीं घूमने नहीं गए। संडे था, वीकेंड था, और वीकेंड में बोले भैया नहीं जाने क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता, तो लोकल में घूमे थे और कुछ गए थे काम से बाहर, मामा वहाँ से मिले, और आज निकल रहे हैं, मंडे है आज, तो आज निकल रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। इंडिया गेट जाएंगे, रेड फोर्ट जाएंगे, सब तैयार हो रहा है, तैयार हो भी गया, यहाँ से निकल रहे हैं हम। चलिए आज देखते हैं आज ये ब्लॉग में क्या क्या कर पाते हैं और क्या इन्जॉय करते हैं दिल्ली का। वैसे तो इंडिया गेट तो कभी गए नहीं है हम, निकल रहे हैं दिल्ली का कॉलोनी से। यहाँ पीछे बज रहा है यार, मस्त चला जाए पहले मेट्रो, अक्षरधाम मेट्रो, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे इंडिया गेट के लिए। मतलब कि मेट्रो स्टेशन से ही इंडिया गेट, मतलब कि नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन जाकर उतरेंगे हम लोग शायद मंडी हाउस, हाँ वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है इंडिया गेट, तो वहाँ से उतर लेना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा मेट्रो आ गया। समझते नहीं हो भाई, मैं रात में मेट्रो में सफ़र करने के बाद भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रहा है। अभी हम लोग जाएंगे उधर निकली इंडिया गेट के लिए, पीछे एक बार मेट्रो आ गई। आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन से बाहर, अब जाना किधर है भाई, इधर जाना है किधर जाना है भैया? ऑटो किधर मिलेगी हम लोग को? इधर बेटा, और सफर करोगे मेट्रो में? तीनों बैठ चुके ऑटो में, 20 रुपये पर सवारी, कोई 10 रुपये घाटा, 30 रुपये, 30 रुपये घाटा, तीनों मिला के 30 रुपये। चलते हैं, ऑटो वाला पता नहीं कहाँ गया आ रहा है, 1 मिनट वाला ऑटो सब कर चुके हैं, और उधर है इंडिया गेट, मतलब इंडिया गेट का एंट्री। फिलहाल चलते हैं उधर रोड के उस पार, भाई इस तरह जाकर ठोक देगा भाई, कहीं भी बम हो सकता है, अपनी जान अपनी रक्षा। गाइस हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर, इंडिया गेट का एंट्रेंस के अंदर। लगता है 4K वीडियो बना रहे तो ओवर एक्सपोज हो जा रहा है क्या? ये एरिया पूरा सर्वेलेंस के अंदर है यार। वो है इंडिया गेट उधर। क्या टॉयलेट ब्लॉक्स, वैसे टॉयलेट ब्लॉक्स, सॉरी काफी सुंदर है यार। जाते हैं उधर से एक और व्यू लेते हैं कैसा दिखता है, यहाँ से तो कुछ खास नहीं दिखता। तो गाइस हम हैं इंडिया के पास, सॉरी इंडिया गेट के पास, कुछ कुछ लिखा हुआ है यार ऊपर में इंडिया गेट वहाँ पे। सौरभ लोग कहाँ चल गए? और ये सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति लगा हुआ यहाँ पे। काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा है। यहाँ पे हम लोग कैमरा निकाल रहे थे, लेकिन ऑफिसर्स ने बताया कि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, रोड के उस पर अलाउड है, तो चलेंगे उधर फोटो शूट करेंगे। अब भूख लगा है यार, कुछ खाएंगे बहुत तेज। यार सब में नाम लिखा हुआ है, कुछ कुछ देख सकते हो, ये वाला नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये तो दिख रहा है। और उधर जो सामने दिख रहा है वो राष्ट्रपति भवन है। क्या हुआ? थोड़ा सा पूछताछ किए यहाँ पे, जानकारी ली ऑफिसर्स से, पता चला कि पर्सनल कैमरा पे अलाउड है, कमर्शियल कैमरा अलाउड नहीं है, मतलब जो लोग काम करते हैं वो लोग के लिए हम लोग अलाउड है, तो लेके आए थे और काफ़ी सारे क्लिक्स भी लिए अच्छा खासा।
और अब चलेंगे बाहर, एक दो पिक्स लेंगे इधर का पीछे का, उसके बाद फिर चलेंगे बाहर। तो गाइस यहाँ से अब निकलेंगे, चलो बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ है थोड़ा, टूरिस्ट वीक देखने को मिल रहा है काफ़ी। ये है इंडिया गेट, अभी इधर है रोड क्रॉस पर जाने के लिए। चलो अरे गाइस, फॉरेनर लोग कुछ कुछ आते हैं और लेडीज़ लोग के साथ फोटो लेते हैं जो एक्चुअली इंडियन ड्रेस में होते हैं। भाई अपन लोग का इंडियन ड्रेस में नहीं, वेस्टर्न ड्रेस में है, हम लोग के साथ भी फोटो ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। मतलब वो लोग इंडियन को स्नेह से देखते हैं कि जो एक्चुअली में काला है वो इंडियन है और जो थोड़ा सा ब्राइट है वो इंडियन नहीं है। अरे ऐसा ना इंसान, हम लोग भी तो इंडियन है यार, कोई नहीं, ये सब कहने की बात है, जो भी अच्छा है। अब फिलहाल चल रहे रोड पे उस पार, ये आज़ादी के टाइम का फोटो है शायद। इधर आए निकल के तो कुछ खाएंगे यार, बहुत तेज़ से भूख लगा हुआ है, देखते हैं खाने के लिए क्या मिलता है। इधर तो प्री मील मिल चुका है, बर्गर खाएंगे इसी को, अब भैया बेचते हैं। तो गाइस बर्गर खाने बहुत खा लिया, पानी पूरी तो भाई बहुत बहुत तीखा था यार, मीठा बोल के तीखा खिला दिया, एक्सट्रीम तीखा, क्या बताएं यार। सर पानी पूरी तीखा, बहुत तीखा था यार, 100 रुपये का पानी पूरी। इस थके आ रहे हम लोग, आ गए मेट्रो स्टेशन, यहाँ से चलेंगे रेड फोर्ट, काफ़ी थक गए यार, मेट्रो में आराम करेंगे जाके, और सीट मिला तो ऐसे तो पता नहीं सीट मिलेगी कि नहीं, कैमरा क्वालिटी काफ़ी ख़राब आ रहा है, पता नहीं कैसे। मेट्रो में फंस चुके हैं, जाना था हम लोग को लाल किला, अब जा रहे हैं कुतुब मीनार, सब कितना चिल है जैसे कि डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो हम लोग आ चुके हैं कुतुब मीनार, एक्चुअली हम लोग को जाना था रेड फोर्ट और आ गए कुतुब मीनार, मतलब जा ही रहे मेट्रो स्टेशन में, यहाँ से निकलेंगे बाहर। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे निकल पाएंगे कि नहीं, मतलब वो वाला हम लोग टिकट नहीं था ना यहाँ का, देखते हैं। तभी मैं वीडियो बना रहा था, इसने बोला कि वीडियो वगैरह मत बनाओ, फाइन कट जाएगी, झूठ की उन्होंने बना रहा था, वो अपना टिकट रॉन्ग टिकट था ना, तो इसीलिए सोचा देखें क्या प्रोसेस है। तो उसका वीडियो बनाने लगा तो उसने बोलने लगा ज़्यादा VIP मत बनो। फिलहाल चलते हैं कुतुब मीनार, एक्चुअली यहाँ घूमना तो था नहीं लेकिन चल रहे हैं घूमने के लिए। ये सामने वाले के ऑटो की गैस ख़त्म हो गई है CNG, तो ये वाले ऑटो हमारी ऑटो उसको धक्का देके जा लेके जा रही है ये भी बढ़िया है। लाल किला का टिकट लेके हम लोग पहुँच गए कुतुब मीनार, हंस क्या रहा है बेसाले, हम नहीं देखे तुम लोग भी तो नहीं देखा कोई, हम लोग को तो आना था कुतुब मीनार। अच्छा कुतुब मीनार तुम लोग आना था, तो फाइन क्या भरवाया 10-10 रुपये करके, गलती से लाल किला का टिकट लिए थे। अच्छा इधर ही कुतुब मीनार, उधर अभी दिखेगा नहीं, नहीं जाऊंगा तो दिखेगा। ये उधर है कुतुब मीनार, काफी सारे टूरिस्ट है यार यहाँ पे, टूरिस्ट भरे पड़े हैं। मीनार का एंट्री इधर है, टिकट वहीं मिलेगा ना। ये यहाँ का टिकट काउंटर, कुतुब मीनार का टिकट काउंटर, उधर गए थे एंट्री के लिए लेकिन पता नहीं था कि टिकट मिलता है ना। अरे साला फॉरेनर टिकट 600 और हम लोग का 400, सॉरी 40 रुपये।
क्लॉक रूम पर बैग बैग रखना पड़ता है। बहुत सारा झोल झमेला है तो थोड़ा सा पता किया और ऑनलाइन ही टिकट मैंने कर लिया 4 का 35 करके लगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल चलता हूँ। ये यार यहाँ तो कमर्शियल कोई भी चीज़ अलाउ नहीं करते। एक्चुअली मेरे पास तो पर्सनल कैमरा था तो अलाउ कर दिया। मैडम चेक करिए, एक का तो ट्राइपॉड ले रहे, बोलते कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाओ फिर मिलेगी ट्राइपॉड। कोई नहीं, अब पीछे कर दिखेगा नहीं, लाइट बहुत ज़्यादा है सनलाइट। अरे यार बहुत धूप है यार, दिखने दिए कुछ ये ऊपर जाने का भी टिकट लगता है क्या? मतलब कि ऊपर जाने का अलाव है क्या? शायद नहीं हो सकता है। एंशिएंट बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स नहीं बोल सकते, एंशिएंट डोर दरवाज़ा ये बस यही है। अच्छा इसके ऊपर पहले अलाव था, अब अलाव नहीं है। गाइस ये सब आर्किटेक्चर देखने के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में पीछे जा रहे हैं कि आगे आ रहे हैं। भाई बनाया कैसे उतना ऊंचा? अब तो लीवर है, पुली है इस्तेमाल करके, वो क्रेन्स है, उस जमाने में इतना ऊंचा बिल्डिंग कैसे बनाया? कन्फ्यूजन है यार। और ये है यहाँ का कुछ एंशिएंट मोनूमेंट्स जो भी बोलो। अच्छा तो यही है लो स्तंभ जो कितने सालों से जंक नहीं लग रहा है। अरे क्या यार, हर 5 मिनट में एक फ्लाइट। वैसे ये मेरे पीछे को तुमने यार बहुत पूछा यार, समझ में नहीं आ रहा इसके पीछे क्या कमेंट करो, लिटरली समझ नहीं आ रहा है। बस काफ़ी घूम लिए हैं, अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। क्या घूमेंगे, बस चलेंगे लाल किला, उसके बाद फिर चलेंगे रूम। काफ़ी लेट हो गया यार, कितना घूमे एक ही जगह पर। पीछे देख सकते हैं और यार हर 5 मिनट में एक फ्लाइट यहाँ से गुजर रही है। ये देखो परेशान कर देगा ज़्यादा, ये हर 2-5 मिनट में एक फ्लाइट है। मीनार से 12 के भाई हम लोग खाना खा रहे हैं। मस्त पावजी खा के निकल रहे हैं मेट्रो स्टेशन जो कि बगल में ही है। चलेंगे चांदनी चौक, यहाँ का फेमस है। अरे मेट्रो जाने किधर से भाई? इधर से यहाँ का चाट कुछ नहीं भाई, झारखंड का चाट क्या चाट है यार, खा के मर जाओगे। अरे यहाँ का चाट उस क्या बोलोगे, यहाँ का चाट में टेस्ट नहीं खाली, टिक्की पानी में तल के देता बस हो गया टिक्की चाट। ये है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। अबे फिर से प्लेन आ रहा, यहाँ का टोटो है। हर 5 मिनट में टोटो के जैसा चलता है भाई। चांदनी चौक में वी आर ऑन दी चांदनी चौक, 100 की 2 देख सकते हैं पीछे। क्या सारा पूछ लिया क्या? चांदनी चौक में ये क्या दिखा गाइस, बहुत मस्त बिल्डिंग है यार।
हाइट कहाँ से निकलता है क्या नीचे गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रेड फोर्ट मेरे पीछे है इधर काफी अच्छा व्यू है रास्ता कौन कितने में कर रहे हो शूट 4K 60 FPS 30 FPS में ज्यादा कंपैटिबल सही है यार तो सिर्फ ब्रेक ही आ गया खाना सीपी का मेरे साथ ये है अब से दिल्ली का लड़का बन गया यहाँ के ये ब्लॉग में डल जाएगा टेंशन मत ले सीपी से यार डायरेक्ट अक्षर था अब जाके सोएंगे आराम से मेरे को ऑप्शन नहीं बचा है काफी लेट हो गया ऑलरेडी यार बहुत घूम ली मेट्रो कंफ्यूजन मतलब लेकिन घूम भी लिए हम लोग जो लास्ट डेस्टिनेशन जो था आप लोग पहले घूम लीजिए आपको तो बोना है कोई नहीं अब फिलहाल चलते हैं रूम में ये हमारा डेस्टिनेशन उधर तो गाइस अभी रूम जस्ट पहुंचे देख रहे थे बाल कितना बड़ा है दिल्ली काफ़ी घूमे हैं और शायद कल भी घूमना है कल पूजा भी करना है अक्षरधाम में और एक टी शर्ट लिया था ये ट्राई कर रहा था कैसा लग रहा है तो ये ब्लॉग रखते हैं यहीं तक मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय अरे बताइए ये ब्लॉग कैसा रहा एक्चुअली सीपी के बाद तो थक गए थे और मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था अभी भी चार्ज में लगाए हुए देख सकते हैं तो ज़्यादा देर ब्लॉग तो बना नहीं सीखी मैं और अभिषेक भी आ गया था उससे भी मिल ली तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय।